मैंने दो मिनट रुकिएगा जरा तो एक बोर्डरूम करते हैं केनरा बैंक के से बातचीत करते हैं नतीजे बहुत ही बढ़िया है और तीसरी तिमाही में शानदार नतीजे बैंक ने पेश किए और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी 25 परसेंट के करीब ग्रोथ आई और एन आई एम्स थर्टी क्वार्टर्स के हाई उस पर हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवशीष मुखर्जी साहब मुखर्जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सी सी आवाज़ पर और नंबर्स तो सर बहुत ही शानदार हैं क्या ट्रिगर्स रहे हेलो जी देवाशी जी आपको मेरी आवाज आ रही है हाँ जी हाँ जी अब आ रही है बोलिए जी मैंने कहा कि नंबर्स तो बहुत ही अच्छे पेश किए हैं आपने आ, हर फ्रंट पे है एन आई भी बहुत बढ़िया है और मार्जिन भी बहुत इम्प्रूव होके आते हुए दिख रहे हैं ट्रिगर क्या रहा क्या सेगमेंट था कहाँ से इतने अच्छे नतीजे आए देखिए ये कोई एक सेगमेंट पे नहीं है आधारित है ये जो हमारा जो फिगर्स है ये एक सेगमेंट पे आधारित नहीं है इसमें जो अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो ये रैम सेक्टर में भी ग्रोथ हमारा काफी हुआ है ऑल आर डबल डिजिट ग्रोथ और कॉरपोरेट में भी हमारा डबल डिजिट ग्रोथ है तो ये मिक्सड है रिटेल uh, और कॉरपोरेट लोन को मिलाते हुए uh, हमारे एग्रीकल्चर रिटेल लोन ये इसने भी बहुत अच्छा इसमें भी हमने बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट दिखाए हैं तो ये एक मिक्स्ड है जिसके आधार पे हम करें मेरा जो इंटरनेशनल ऑपरेशन है उधर भी हमारा काफी अच्छा ग्रोथ रहा एडवांसेस में 16 परसेंट के आसपास देवाशी जी एन तो बहुत हाई इसमें है क्या ये आगे क्वार्टर्स में सस्टेन होंगे कंसीडरिंग की डिपॉजिट आ... रेट्स अब बढ़ रहे हैं लगातार बड़े बड़े बैंक जो है पौने आठ परसेंट पे फंड रेस कर रहे देखिए ऐसा है कि हमारा जो गाइडेंस है एन का टू पॉइंट नाइन ऑनवर्ड्स ये हम मेंटेन करेंगे जो अभी तक हम करते आ रहे हैं बट आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन जो था विद रिगार्ड टू द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी हमारे बैंक में जो इंटरेस्ट uh, रेट जो बढ़ी है उसका इफेक्ट देना अभी भी बाकी है थोड़ा सा तो इसलिए वो काउंटर करेगा फॉर दिस क्यू फोर ऑनवर्ड्स आपकी कॉस्ट ऑफ फंड क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ फंड है अभी 3.86, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट 4.19, पॉइंट ऑन एडवांस सेवन तो ये जो क्रेडिट ग्रोथ आप बता रहे हैं कि डबल ट्रिपल डिजिट में चल रही है और आप इसको उम्मीद करते हैं कंटिन्यू करेंगे मेरा सवाल ये है सर कि जो इतनी रेट्स बढ़ रही हैं और अभी तक हम लोग ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वही ज़्यादा हो रही है अब वो भी धीरे धीरे थोड़ी सी स्लो हो रही है तो आपको ये भरोसा है कि ये कॉरपोरेट ग्रोथ और ख़ासतौर तो पर अब दूसरा पर रिटेल वाले भी कहेंगे क्योंकि मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि जो रिटेल ग्रोथ हाउसिंग सेक्टर से आती खास तौर पे उसमें बहुत सारी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि टू यानी जुलाई से दिसंबर के महीने में सेल्स गिरती हुई नजर आई है देखिए ऐसा है कि हमारा जो हाउसिंग लोन में ग्रोथ है वो ड्यूरिंग दिस पीरियड अबाउट 16% हमने रखा है 15.81% हाउसिंग लोन्स पे खास करके हमने रखा है तो YoY वाई और क्यू क्यू ओ क्यू में भी हमारा ग्रोथ काफी अच्छा रहा है हाउसिंग लोन में तो हमें तो पूरा उम्मीद है कि हम जो रिटेल ग्रोथ है इसको हम बरकरार रखेंगे और हमारा क्रेडिट ग्रोथ जो टोटल रहेगा बिटवीन अराउंड फिफ्टीन परसेंट तो हम डेफिनेटली मेंटेन करेंगे सर एमएसएमई में क्या स्थिति है एमएसएमई में ग्रोथ हमारा जो वाईओ -वाई है वो सिंगल डिजिट है अबाउट सेवन परसेंट ग्रोथ है वो क्यू ओ क्यू में फ्लैट है लेकिन एम एस एम ई में ये क्यू फोर में uh, थोड़ा सा हमको एफर्ट देना पड़ेगा और हम करेंगे इसमें भी हम डबल डिजिट में लेके आएंगे और uh, ये जो सिंगल uh, डिजिट आप देख रहे हैं कंपैरिजन टू लास्ट ईयर उस समय जी का एक बहुत बड़ा प्रभाव था वो जी uh, से हमारा लोन ग्रोथ काफी बढ़ गया था तो नेचुरली वो अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा म्यूटेड लग रहा है बट ऐसा नहीं है हमारे, e, हमारे बैंक में एमएसएमई e सेक्टर भी आ, अच्छा ग्रोथ कर रहा है और करेगा भी देवशी जी मुझे एक चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आप जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत कंड्यूसिव नहीं लग रही है राइजिंग इंटरेस्ट रेट की वजह से एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बड़ी कंपनी की वजह से आप भरोसे के भरोसे कह रहे हैं कि आप एम एस एम को ग्रोथ ले आएंगे कैसे सर वो थोड़ा सा समझाइए हमें मैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा बैंक जहाँ तक कंसर्न uh, उसमें हमने क्रेडिट ग्रोथ का कोई कभी देखा नहीं है अभी तक स्टिल वी आर हैविंग वेरी लार्ज पाइपलाइन ऑफ नॉट ओनली कॉरपोरेट बट नॉन कॉरपोरेट भी अच्छा पाइपलाइन हमें दिख रहा है और ये ऐसा नहीं है कि खाली एन सेक्टर ही हो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी है आयरन एंड स्टील भी है इवन आपका वो भी है क्या कहते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट जो एल वगैरह है इसमें भी हमें काफ़ी डिमांड लग रहा है हमारे बैंक में ऐसा अभी तक हमें अनुभव नहीं हुआ है कि क्रेडिट ग्रोथ इज ड्राइंग का ओके okay, देवशी जी आप ये कह रहे हैं कि 2.9 परसेंट से ज्यादा एनआईएम मेंटेन करेंगे आप 15 परसेंट से ज्यादा आप क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन करेंगे और अभी आपको कोई भी ऐसी दिक्कत दिख नहीं रही है कि जहां पे क्रेडिट ऑफटेक स्लो हो रहा हो राइट सर जी सर बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेष फॉर द क्यू हम लोग बात करेंगे फिर से एक बार चौथी तिमाही के बाद देखते कैसा नतीजा आता है बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए मानस जी केनरा बैंक उट परफॉर्मर रहा है स्टॉक प्राइस वाइज भी और नतीजे भी अच्छे पेश किए और मैनेजमेंट बहुत भरोसे में है कि इनके ऊपर कोई खास असर नहीं है तीन सौ रहा खरीदना चाहिए अभी मानस अनम्यूट कर लीजिए प्लीज माफ करिए हाँ. तो देखिए मेरा कहना यह है कि कैनरा बैंक में अगर आपको लंबे समय के लिए मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए आपको ट्रेड करना है निवेश करना है तो आप खरीदारी करिए शॉर्ट टर्म में तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है लेकिन मेरा समझना है कि दोनों बैंक कैनरा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों का जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव है और कैनरा बैंक में तो आई थिंक अगर आपके पास समय होगा करीब छह से आठ महीने का चार सौ चार सौ बीस तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे तो मेरी राय में तो कैनरा बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए कभी गिरावट मिले तभी खरीदिए दो सौ रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और चार के टारगेट सेट करिए दो सत्तर चार बीस लॉस एक टारगेट है इस पर ध्यान रखिए बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें